अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्शन टू हिट ए गिवन पॉइंट, प्रक्षेप्य का किसी बिंदु से गुजरना। ओके, मान लिया जाए ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट वाई एक्सिस, और सपोज दैट ये मेरा जो है प्रोजेक्टाइल जो है प्रोजेक्ट ऐसे होता है। ओके, मान लिया जाए ये किसी बिंदु से गुजरता है और वो पॉइंट मेरा ये है जहाँ से गुजरता है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी, ए कोमा बी से पास होता है। ओके, जाहिर सी बात है जब प्रोजेक्टाइल को जो है बिंदु ओ से प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसकी वेलोसिटी जो है ऐसे होगी, ये इसकी वेलोसिटी होगी यू, और ये वाला प्रोजेक्शन एंगल अल्फा होगा, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हो। ओके, और यू इसकी वेलोसिटी है, इस तरफ मेरे पास क्या होगा भाई, इस तरफ होता है यू कोस अल्फा, वेलोसिटी का कंपोनेंट, इस तरफ होता है मेरे पास ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन अल्फा। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी है पहले वो लिखूँगा उसके बाद मैं आगे पहुँच जाऊँगा। सपोज दैट ए पार्टिकल यू वेलोसिटी से पॉइंट ओ से क्या किया जाता है भाई, प्रोजेक्ट किया जाता है, एंड यह पार्टिकल पॉइंट पी ए कोमा बी से पास होता है। क्लियर है ना, तो हम जानते हैं बेटा, ध्यान से देखना हम क्या जानते हैं, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्टाइल के पथ का समीकरण, सीधा लिख भी रहा हूँ, पथ का समीकरण क्या होता है हमारे पास भाई, होता है वाई इज इक्वल टू कितना होता है रे, वाई इज इक्वल टू होता है एक्स टेन अल्फा माइनस वन अपॉइंट टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, ध्यान से देखना बेटा, चूंकि जो पार्टिकल है, चूंकि पार्टिकल पॉइंट बी से पॉइंट पी ए कोमा बी से पास होता है, तो जब इससे पास हो रहा है तो क्या होगा भाई, तो x बराबर होगा a एंड y बराबर b पुट करने पर, और कहाँ पुट करने पर, इक्वेशन a में, इक्वेशन वन में। ओके, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ बेटा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैं कहना चाह रहा हूँ जब पार्टिकल का जो पथ होगा ना वो पथ
पैराबोलिक होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पथ का जो इक्वेशन होता है वो यही तो होता है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला है। मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात बता भी चुका था कि जो पथ का इक्वेशन होता है वो ये होता है। और कहना चाह रहा है कि पॉइंट जो है ना उस पथ के ऊपर है, जब पॉइंट पथ के ऊपर है तो जाहिर सी बात है जो पथ का इक्वेशन है पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है ना। तो मैंने वही कहा कि x इक्वल टू ए और y बराबर बी इसके अंदर इसलिए रखा क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो पथ के ऊपर पड़ रहा है। ओके, मैं वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। y इक्वल टू डाला मैंने b इज इक्वल टू, x की वैल्यू डाली मैंने a tan अल्फा माइनस, ये हुआ मेरे पास 1/2 जी ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। मेरे पास फार्मूला होता है बेटा 1/cos² alpha इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर अल्फा। मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ किया और इसको सेट किया मैंने, मेरे पास निकला b इज इक्वल टू a tan अल्फा तो ये निकला, माइनस के 1/2 जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हुआ मेरे पास यू स्क्वायर, 1/cos² alpha मेरे पास हो चुका sec स्क्वायर अल्फा, क्लियर है ना। आगे की बात करते हैं, चूँकि मेरे पास फिर फार्मूला होता है sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1+k tan² alpha। मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा वो ये निकला, देखता हूँ कितना निकलता है। b इज इक्वल टू ये हुआ मेरा b इज इक्वल टू a tan अल्फा तो ये हो चुका, माइनस ऊपर निकला g a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई u स्क्वायर, क्लियर है ना। और sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू डाल दी, इसको यहाँ रख लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू डाली मैंने बेटा तो मेरे पास निकला b इज इक्वल टू a tan अल्फा तो ये हुआ, माइनस g a स्क्वायर 1+k tan² alpha डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। कोई आपत्ति अगर है आप मेरे से पूछ सकते हो, क्रॉस गुणा कर रहा हूँ रिजल्ट निकाल रहा हूँ। देखो मैंने क्रॉस गुणा किया और इसका रिजल्ट निकाला, ये मेरे पास निकला b u स्क्वायर इज इक्वल टू a u स्क्वायर tan अल्फा माइनस के g a स्क्वायर 1+k tan² alpha। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ, सारी क्वांटिटी एक तरफ उठा लो, पहले आप इसकी गुणा कर लो। ये हुआ बेटा b u स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर टेन अल्फा माइनस के जी ए स्क्वायर माइनस के जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, इसको सब को इस तरफ उठा लो एक पक्ष में। ये हुआ बेटा जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, सबसे पहले ये, उसके बाद मैंने ये लिखा प्लस बी यू स्क्वायर और फिर प्लस जी ए स्क्वायर और फिर माइनस ए यू स्क्वायर टेन अल्फा। बात तो एक ही है, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया प्लस का ये लिख दिया, इधर जाने के बाद प्लस और ये जो था इधर आने के बाद माइनस और ये हुआ बराबर ज़ीरो के। टेन की बढ़ती हुई पावर में लिखो, घटती हुई पावर के अंदर, ये हुआ जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस ए यू स्क्वायर टेन अल्फा, सबसे बड़ी पावर टू, उसके बाद सिंगल पावर, उसके बाद सिंगल स्टेप। देखो भाई सिंगल स्टेप लिख रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या आता है मेरे पास। सिंगल स्टेप में मेरे पास कितना निकला भाई, प्लस टेन स्क्वायर टेन, ये हुआ बी यू स्क्वायर प्लस के जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने जी ए स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, जी ए स्क्वायर से
डिवाइड लगाने पर, डिवाइड करने पर देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही मैंने डिवाइड किया, ये हुआ मेरे पास टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी ए स्क्वायर, और यहाँ भी जी ए स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर, ए यू स्क्वायर टेन अल्फ़ा अपॉन जी ए स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर प्लस जी ए स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, कैंसिल आउट। ओके, देखता हूँ कितना निकलता है। यहाँ से मेरे पास सीधा निकला टेन स्क्वायर अल्फा, तो हो चुका टेन स्क्वायर अल्फा, तो हो चुका ये। अब माइनस की बात करता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा। टू भी था क्या कहीं यार? अरे यार, ये टू छोड़ दिया है मैंने भाई, ये वन अपॉन टू छोड़ दिया है मैंने। ध्यान से देखो, ये वन अपॉन टू चल रहा था ना, ये वन अपॉन टू चल रहा था, यहाँ मैंने वन अपॉन टू छोड़ दिया। देखो, ध्यान से देखना है, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। वन अपॉन टू था ना, ये इसके बटे में टू है, यहाँ टू भी है। फार्मूले से देखो बेटा, टू यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर, ये तो गड़बड़ कर दी थी मैंने यार। चलो क्या समझ में आ चुकी, पकड़ में आ चुकी बात। ये यहाँ टू यू स्क्वायर है, जब मैं गुणा करूँगा ये टू होगा, इसकी गुणा करूँगा ये टू होगा, यहाँ ये टू होगा और ये भी टू होगा। आगे तो कोई गलती नहीं है। ओके, आगे देख रहा हूँ, ये हुआ और ये हुआ मेरे पास जी ए स्क्वायर, ये हुआ बिल्कुल सही है जी। अच्छा, एक तो होगा टू यहाँ, ये टू होगा और एक टू होगा ये, क्लियर है। अब जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, अच्छा इसके साथ टू लगा हुआ है, ये टू होगा और ये भी टू होगा। ओके ठीक है, अब यहाँ मेरे पास यहाँ भी टू होगा और मेरे पास यहाँ भी टू होगा, देखता हूँ अभी यहाँ तक क्लियर। आगे की बात करता हूँ, एक ए से ए कैंसिल, कितना निकला माइनस के टू यू स्क्वायर टेन अल्फ़ा अपॉन कितना जी ए प्लस, यहाँ तो कुछ कट ही नहीं रहा भाई, ये हुआ ये इससे पूरे का पूरा कैंसिल, वन प्लस टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर बता रहा हूँ बेटा, ये जो टू था ना, ये वाला जो टू, मैंने इसके अंदर गलती कर दी थी, ये टू मैं गलती से यहाँ भूल चुका था, ये टू यू स्क्वायर है, यहाँ पे टू यू स्क्वायर है, क्रॉस गुणा किया मैंने, पूरा करेक्ट कर दिया है, पकड़ माई की गलती, तो वरना फिर तो दिक्कत होती, क्लियर है ना बेटा। ये सपोज दैट मेरी इक्वेशन वन है, मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखो आप, इक्वेशन वन टेन अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण बन चुकी टेन अल्फा के अंदर। पहला पद टेन अल्फा का, दूसरा पद बगैर टेन अल्फा के पद, ये देखो आप, क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं भाई, इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और मैंने माना ये जो रूट्स है ना, पहले वाला मान लिया मैंने टेन अल्फा वन और दूसरे वाला मान लिया मैंने टेन अल्फा टू है। टेन अल्फा टू हो तो ध्यान से सुनना, टेन अल्फा वन और टेन अल्फा टू क्यों माना, अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसके जो रूट होते हैं ना, वो एक्स वन कोमा एक्स टू होते हैं, उसी फॉर्म के होते हैं जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आपने टेंथ क्लास के अंदर इस चीज़ को पढ़ा होगा, जो सबसे लास्ट लाइन में लिखी हुई है, ये जो मैंने अंडरलाइन की है
कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट मानते हैं ना, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है उसी फॉर्म में मानते हैं, रूट एक्स वन और एक्स टू मानते थे। तो यहाँ मेरे पास टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा के अंदर ही चेंजेज आ सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज किया जा सकता है, यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऊपर को भी जा सकता है, नीचे को भी जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दो रूट होंगे, पहले वाला मान लिया टेन अल्फ़ा वन, दूसरे वाला मान लिया मैंने टेन अल्फ़ा टू। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ, जहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे देखता हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, पहले लास्ट इक्वेशन यही लिखूंगा मैं, उसके बाद आगे की तरफ चलूंगा। मेरे पास इक्वेशन जो निकल करके आई बेटा, इक्वेशन है मेरे पास टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो मेरे पास इक्वेशन है टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के टू यू स्क्वायर टेन अल्फ़ा अपॉन जी ए प्लस वन प्लस टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके रूट मैंने कितने माने हैं भाई, पहले वाला माना है टेन अल्फ़ा वन, दूसरे वाला माना है टेन अल्फ़ा टू इज ओके। अब देखते हैं बेटा आगे की तरफ क्या कहने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल जो है वास्तविक होते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के रूट्स रियल होंगे। कब रियल होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। आप खुद भी समझ सकते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जब वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो होगी तो हमेशा एक्स के जो रूट होते हैं रियल होते हैं। इलेवंथ क्लास का फार्मूला है, मैंने उसी का यूज़ किया। जब मैं इससे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा, मैंने डायरेक्ट जो है कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली, तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू देखो बेटा, मेरे पास टेन स्क्वायर अल्फ़ा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू देखो, ए बराबर तो होगा मेरे पास वन। बी की बात करता हूँ, बी बराबर होगा, साइन से ही लिख रहा हूँ बेटा, बी बराबर होगा माइनस के टू यू स्क्वायर अपॉन जी ए, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेन अल्फ़ा के अंदर है। और c बराबर होगा मेरे पास 1 प्लस के टू बी स्क्वायर टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर, ये मेरे पास होगी वैल्यू किसकी, c की। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ, सवाल पैदा ये होता है कि सर आप किसके लिए रियल कंसेप्ट का ही यूज़ क्यों कर रहे हो। भाई एक बात बताऊँ, आपने पैराबोला को प्रोजेक्ट किया है, इमेजिनेशन में तो प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, आप रियल में ही प्रोजेक्ट करोगे। जब रियल में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक्चुअलिटी में ही जा रहा है ना, सच्चाई में ही जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने मान लिया कि प्रोजेक्शन चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है सारी रियलिटी होनी चाहिए, और इसी के लिए मैं रियल रूट का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। क्लियर है ना, मैंने यूज़ किया, मैंने लगाया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर की वैल्यू देखता हूँ, मेरे पास निकली टू यू स्क्वायर अपॉन जी ए का कंप्लीट स्क्वायर, जी ए का कंप्लीट स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी की वैल्यू डायरेक्ट वन प्लस के टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर, इसको एक काम करो, इसको आप उधर ले जाओ, उसके बाद सॉल्व करूँगा मैं। ये मेरे पास यहाँ से निकल करके आया बेटा, ध्यान से देखना, ये हुआ फोर यू स्क्वायर, यू की पावर फोर, फोर यू की पावर फोर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फोर इंटू वन प्लस टू बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ए स्क्वायर। इसकी गुना इसके साथ कर लो, पहली बात तो फोर से तो फोर कैंसिल, इनइक्वलिटी के अंदर ऐसे कट किया जा सकता है। ये निकला बेटा u की पावर फोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसकी गुना उसके साथ करो, ये हुआ मेरे पास g स्क्वायर a स्क्वायर, और ये निकला वन प्लस टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर। अंदर गुणा कर दो भाई, u की पावर फोर की जो वैल्यू निकली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये निकला जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू बी यू स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। क्लियर, आगे की तरफ देखता हूँ।
तो यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा u की पावर 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सीधा निकला g स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस के हुआ 2bu स्क्वायर इंटू जी। कोई आपत्ति? आगे की तरफ चलता हूँ, चलो देखता हूँ क्या हो रहा है। मेरे पास जो लास्ट लाइन जो निकल करके आई बेटा, पहले सी का यूज़ कर लेता हूँ मैं लास्ट वाली लाइन का, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। ये हुआ मेरे पास u की पावर 4 इज इक्वल टू u की पावर 4 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के 2bu स्क्वायर इंटू जी। कोई आपत्ति? नो। आगे की तरफ चलता हूँ। देखो बेटा मैं जो है मैंने क्या किया, मैं इस क्वांटिटी को इधर उठा करके ला रहा हूँ। मैंने किया u की पावर 4 माइनस 2bu स्क्वायर जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी स्क्वायर ए स्क्वायर। मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट किया। देखना आप भी जानते हो बेटा, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्स का गुणांक होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड करते हैं। यहाँ यू की पावर 4 के अंदर इक्वेशन है, आप यू स्क्वायर का गुणांक देखो, यू स्क्वायर का गुणांक है 2bg। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास ये निकला, इसका स्क्वायर किया यानी बी स्क्वायर जी स्क्वायर, यही मैं ऐड करूंगा और यही मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा इसको। ध्यान से देखना ये मेरे पास कितना निकल गया बेटा, u की पावर 4 माइनस 2bu स्क्वायर जी और प्लस किया मैंने बी स्क्वायर जी स्क्वायर, माइनस किया मैंने बी स्क्वायर जी स्क्वायर और ग्रेटर देन हुआ ये जी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको उधर ठाला है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो चुका। ध्यान से देखना यहाँ से निकला बेटा यू की पावर 4 माइनस 2bu स्क्वायर जी प्लस के बी स्क्वायर जी स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हुआ बेटा जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर जी स्क्वायर। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर किसका बना, आपको भी दिख रहा है, ये बना यू स्क्वायर माइनस के जी बी का कंप्लीट स्क्वायर। पहले का स्क्वायर क्या है निकला, दूसरे का स्क्वायर ये किया, 2 गुना पहला गुना दूसरा आपके सामने है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैंने जी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कितना बचा बेटा, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आपत्ति? अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, मैं इसका स्क्वायर हटा दूँ तो मेरे पास यहाँ से निकलेगा यू माइनस के जी बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अंडर द रूट होगा जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आपको कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। यहाँ से निकला यू माइनस के जी बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी तो रूट से बाहर जी इंटू अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। इसको भी उधर ले जाऊँगा, सॉरी जरा सी गलती कर दी है, ये यू स्क्वायर है, फिर पहले की तरह गलती हो जाती, ठीक है ना। ये हुआ बेटा यू स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हुआ उधर जाने के बाद जी बी प्लस जी अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी मैंने कॉमन ले लिया बी प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, अर्थात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पार्टिकल उसी पॉइंट पर आ जाओ, उसी लाइन के ऊपर जो मैंने लिखी थी, आप ध्यान से देखना इस चीज को, जब पार्टिकल किसी पॉइंट पी से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ध्यान से देखना, इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, उसकी वेलोसिटी कम से कम, वही कह रहा हूँ मैं, कम से कम कितनी होगी भाई? अरे यार, जब मैंने इधर से यू स्क्वायर की वैल्यू ले ली, एक मिनट रुको, आप यू स्क्वायर हो चुका ना, ओके, कम से कम अगले वाले पेज पर लिखता हूँ, उसकी वेलोसिटी होगी यू स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू
जी डी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर होगी, क्या? तो आप ये मान लो, या यहाँ से u की वैल्यू निकालो, u ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये किया मैंने ब्रैकेट बंद, टोटल की पावर एक बटे दो ही होगी, जो कि क्या होगी, जो कि कम से कम होगी, मिनिमम से मिनिमम होगी, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। इस आर्टिकल के अंदर इतना ही, अगले वाले टॉपिक के अंदर जो है, अगले वाले लेक्चर में अगले वाला देखते हैं, वरना लेक्चर बढ़ जाएगा। ओके, बाय।